आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रेम बुलबुल मैथ में स्वागत है सभी का। और जैसे कि आप जानते हैं मैं प्रेम मेहरा 10th क्लास की मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, तो इसी YouTube चैनल पर अब एक 10th क्लास की साइंस सब्जेक्ट को हम रिवीजन कराने जाते हैं। तो कौन कौन स्टूडेंट है जो साइंस क्लास रिवीजन करना चाहता है, तो चाहते हो कि सर साइंस की भी क्लास लगा दी जाए यूट्यूब पर, तो कमेंट करके हमें बता दीजिए। और आपकी मैथ की जो क्लास है 12 बजे होने वाली क्लास, अब प्रतिदिन 1 बजे क्लास होगी, 1 बजे यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी, तो सभी बच्चे देखना ना भूलें। और शाम को 4 बजे साइंस की क्लास आपको प्रतिदिन यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी। तो मैंने बताई जो जानकारी सभी स्टूडेंट को अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। और आज की क्लास को फिर कंटिन्यू करते अपन, तो हमने 26 क्वेश्चन कंप्लीट करवा लिए थे और आज 27वां क्वेश्चन कटे। और आज है तारीख 10, तो 27वां क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में 6:5, 4:5, 5:5 का अनुपात है। यदि उनका आयतन 960 घन सेमी है तो घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई याद करिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से आपको ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा, क्योंकि इन क्वेश्चन करने से आपके 6 नंबर आराम से आ सकते हैं। दोस्तों देखते बात करते, कोई घनाभ है उसकी अपन को लंबाई दे रखी है और चौड़ाई दे रखी है और ऊंचाई दे, इनका रेशो दे रखा अपन को 6:5, 5:5, 4:5, इस प्रकार से रेशो दे रखा है इसका। तो अपन को क्या करेंगे दोस्तों, जो घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल अपन को निकालना है, उसके लिए तीनों चीज अलग अलग होती है। तो अपन क्या करेंगे भाई, यहाँ पे इसको 6x/5x/4x, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, रेशो दे रखा था अपन ने, रेशो कंप्लीट किया। उसके बाद इसका आयतन दे रखा है अपन को 960, तो क्या करेंगे भाई, घनाभ का आयतन कितना दे रखा अपन को, 960 दे रखा। और आयतन क्या होता है घनाभ का, एल बी एच होता है, और एल बी एच का मान अपन को दे रखा है बराबर कितना, 960 दे रखा है। तो यहां से पूरा गण दिया अपन, 6x/5x/4x = 960 दे रखा है, इस प्रकार से अपन को दे रखा है। इनको गुणा किया तो क्या हो गया, 120x³, क्योंकि आयतन इसलिए, बराबर 960। अब क्या करने वाले बच्चों, x की पावर 3 और ये 960 में अपन 120 का भाग दे देंगे, तो 0 से 0 गया बच्चों। अब क्या करेंगे, 12×96 ये आ गया 96, 8 बार गया तो x की पावर क्या आ जाएगा इसमें, ये 8 हो जाएगा और ये क्यूब, क्यों मतलब क्यों निकाल रहे हैं, तो 8 किसका किसको, 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, ये आ गया यहाँ पे सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर x का मान आ गया। अब भी पूछा भाई, क्या पूछा क्वेश्चन में, कि घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की माप बताइए। देखो बच्चों, जहां जहां अपन ने x लिखा है वहां पे अपन क्या लिख देंगे, 2 से गुणा करेंगे, तो क्या हो जाएगी लंबाई कितनी हो जाएगी, 6x है तो अपन x की जगह 2 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 12, चौड़ाई कितनी हुई 5x और x की जगह अपन लिखेंगे 2, ये हो जाएगा 10, ऊंचाई 4x है और x की जगह अपन 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 8। तो लंबाई चौड़ाई कितनी आ गई अपनी, 12, 10, 10, 12, 10, 8, ये अपनी टोटल घनाभ की लंबाई हुई। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आपको करना था, क्वेश्चन नंबर 26 27, बहुत जबरदस्त बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आपको मुझे उम्मीद है कि सभी विद्यार्थी की ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया। आज का क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन की बात करते, बहुत अच्छा और इंपोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, देखते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है कि एक बेलन का आयतन अपन को दे रखा है 448 पाई घन सेमी तथा ऊंचाई अपन को 7 सेमी दे रखी है, तो बेलन का पार्श्विक क्षेत्रफल एवं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन को याद करना है।
तो किस तरीका से अपन दोस्तों याद करेंगे, देखो बेलन होता है, तो अपन बेलन का आयतन क्या होता है दोस्तों, बेलन का आयतन अपन को कितना दे रखा है, बेलन का आयतन 448 पाई दे रखा है, और अपन को पता है कि जो बेलन होता है उसका आयतन क्या होता है, पाई आर एक्स आर एच होता है, और बराबर अपन को 448 पाई दे रहा है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, अब क्या करेंगे, पाई से पाई कंप्लीट गया भाई, एच का मान अपन को कितना दे रखा है, इसमें 7 दे रखा है, एच बराबर अपन को 7 सेमी दे रखा है, तो अपन 7 सेमी लिख देंगे यहां पे, क्या करेंगे देखो, आर एक्स आर गुणा 7 बराबर 448, यहां पे आर एक्स आर का मान चाहिए अपन को 448 में अपन 7 का भाग देंगे, तो R बराबर क्या आ जाएगा, R एक्स आर बराबर ये जाएगा 6 × 7 = 42, 6 बार गया, बचा कितना भाई 2, ये 8, 7 × 28, तो ये आगे 64, R का मान कितना आ जाएगा भाई, R के उसके ऊपर रूट डालेंगे तो इसके ऊपर रूट लग जाएगा, और R बराबर अपने पास में 8 सेंटीमीटर आ जाएगा, R बराबर 8 सेंटीमीटर आ गया, अपन से क्या पूछा है, पार्श्व का क्षेत्रफल, तो देखो किस तरीका से अपन 8 सेमी अपन ने त्रिज्या निकाली, और जो पार्श्व होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है भाई, बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 2 πr h होता है, अपन को h ही पता है, r भी पता है, तो अपन आराम से कर सकते हैं इस क्वेश्चन, देखो भाई 2 लिखा, पाई का मान 22 / 7, सब बच्चे जानते इस बात को, गुणा आर का मान अपने पास में कितना आया भाई 8 आया, एच अपन के पास में 7 दे रखा है, इधर से देखो 7 लिखा, ये 7 से 7 गया, ये हो गया 44, 44 × 8 किया तो कितना आ गया 8 × 32, 32 × 2 = 3, 8 × 32 = 32 होती 35, तो ये क्या क्षेत्रफल, इसके लिए एक सवाल आएगा, तो ये आएगा कितना आ गया क्षेत्रफल 352 सेंटीमीटर। अब क्या पूछा अगला क्वेश्चन में कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता भाई 2πr h + r, ये होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आपको सब चीज अवेलेबल है तो इसमें अपन मान रख सकते हैं, देखो बच्चों 2 का मान 22/7, पाई का मान हो गया, आर अपन को कितना दे रखा है 8 दे रखा है, कोष्टक एच का मान अपन को 7 दे रखा है, 8 आर का मान, इस प्रकार से 22/7 × 8 × 7 और 8 कितने होते हैं 15 हो गया, ये अपन ने यहां पे कंप्लीट किया। अब इसको अपन पूरे को क्वेश्चन पूरे को सोल्व करते तो कितना आएगा, यहाँ पे इस पूरे ऊपर क्या भाई देखो टोटल गुणा करने पर कितना आने वाला है, ये 15 × 120 और ये हो गया 44, 44 × 120 / 7 और फिर इसको गुणा किया तो कितना है 52, 80 और जब इसमें अपन 7 का भाग दे देंगे टोटल में तो 7 का भाग देने पर कितना बढ़ जाएगा, 7 × 7 = 49, मतलब 7 बार तो जाएगा ही जाएगा, उसके बाद 5 बार और ये मतलब गया 754.28 अपना क्या करेक्ट इसका आंसर आया। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आपको करना था, किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत, अपन क्या बेलन का आयतन दे रखा है, बेलन के आयतन से अपने त्रिज्या को निकाला और त्रिज्या निकालने में हाइट अपने को दे रखी है, तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को करेक्ट किया। मुझे उम्मीद है कि सभी विद्यार्थियों को ये क्वेश्चन 28वां अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29,
एक वृत्ताकार घास का मैदान की त्रिज्या अपन को 35 सेमी है, 35 मीटर है, इसके चार ओर 7 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है। तो मार्ग का क्षेत्रफल याद करिए, देखो दोस्तों अपन को कोई भाई जो मैदान होता है वृत्ताकार इस प्रकार का मैदान होता है ये, और जो इसका ये सेंटर है यहां से कितना दूर का ये 35 मीटर, लेकिन इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा रास्ता है भाई, इसके चारों ओर कोई 7 मीटर वाला एक चौड़ा रास्ता है। तो ये 35 और ये टोटल कितना हो जाएगा यहां पे 42। तो अपन क्या कह सकते भाई आर वन जो त्रिज्या है वो कितनी हो जाएगी 35 + 7 = 42। आर टू त्रिज्या कितनी हो जाएगी अपने पास में 35 मीटर है। इसलिए अब पूछा उसमें ये जो मार्ग है ये वाला मार्ग का अपन को क्या पूछा है, इसमें एरिया मतलब क्षेत्रफल पूछा है। तो देखो मार्ग का क्षेत्रफल, और अपन को पता है कि जब वृत्त होता है एक वृत्ताकार होता है तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहां पे क्या करेंगे अपन पाई आर स्क्वायर हो गया। अब जो आर अपन देखा पाई, इसकी जगह क्या करेंगे भाई पाई वन में से आर टू को घटा देंगे स्क्वायर में, इस प्रकार से अपन इसको करेंगे। तो देखो बच्चों पाई का मान अपन को 22/7 है ये। अब यहां पे इसको क्या करेंगे एक बार प्लस में एक बार माइनस में कर सकते हैं, आर वन प्लस आर टू आर वन माइनस आर टू इस प्रकार से इसको किया 22/7। आर वन कितना 42 प्लस 35 ओब्लिक कोई गुणा नहीं तो गुण गुणा का चिन्ह 42 - 35 यहां से क्या जाएगा 22/7 इनको अपन जोड़ेंगे कितना हो जाएगा ये 77, इनको घटाएंगे कितना हो जाएगा 7 और ये 7 से 7 गया तो यहाँ क्या बचा 22 × 77। अब सभी जानते हो 7 × 2 = 14, 14 × 4 का 154 × 154 4 और ये 5 और 4 = 9 हो गया, ये 6 हो गया, ये हो गया, तो कितना आ गया ये 1694 मीटर स्क्वायर अपना क्या भाई ये क्षेत्रफल आ चुका है। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन को करना था। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी विद्यार्थियों को ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आएगा, एक सटीक तरीका से और शॉर्ट एंड स्वीट आंसर इस प्रकार से आप एग्जाम के अंदर करते हैं तो आपके पूरे 100% मार्क्स आ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आज का 30वां क्वेश्चन और जबरदस्त और बहुत अच्छा क्वेश्चन आप सभी को करना है, क्वेश्चन एक बार देखिए करके। देखिए क्या आंसर आने वाला है इसका, करके देखिए करिए वाला क्वेश्चन। देखो मैं बताता हूं आपको, एक ठोस वेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 सेमी है, इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का 1/3 है, तो वेलन का आयतन अपन को निकालना। तो दोस्तों अपन को जो दे रखा है वो अपन को लिखना है, तो अपन को क्या दे रखा है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन को इंपोर्टेंट लगाना भाई, बहुत वेरी 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम के अंदर आपको मिलने वाला। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा अपन को 462 सेमी दे रखा है। तो बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, पहली बात तो अपन को ये रखना जो सूत्र अपन बेसिक जानते हो 2πRH + R होता है बराबर अपन को 462 दे रखा है। अब यहां से अपन क्या निकाल सकते हैं, उसके बाद क्या दे रखा है
विलन का वक्र पृष्ठ छिद्रपल और संपूर्ण पृष्ठ छिद्रपल का एक तिहाई। देखो बच्चों, विलन का वक्र पृष्ठ छिद्रपल बराबर संपूर्ण पृष्ठ छिद्रपल विलन का एक तिहाई दे रखा है। अब अपन को पता है कि वेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ छिद्रपल होता है वो क्या होता है और वक्र का संपूर्ण पृष्ठ छिद्रपल क्या होता है। देखो ये होता क्या, जो वक्र होता है 2πRh होता है और ये वाला होता है वो क्या होता है भाई 2πR एच प्लस आर होता जो अपन को ऊपर दे रहा है। इसका एक तिहाई, तो एक तिहाई मतलब यहां पे चल जाएगा ये तीन भाई, एक तिहाई दे रखा तीन इधर आ जाएगा गुणा में इधर आ जाएगा तो ये हो गया बराबर। अब इक्वल दे रखा है तो अपन यहां से क्या निकालने वाले भाई, देखो ये हो गया कितना भाई 6 पाई आर एच बराबर 2πR एच प्लस आर हो गया। टू पाई आर से आर गया, पाई से पाई गया और इसका भाग दे दो ये तीन बार गया तो यहां क्या बचा 3H बराबर एच प्लस आर बचा। यहां से अपन क्या करेंगे, अपन ये वाला H इधर लाएंगे 3H ये माइनस प्लस का इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा बराबर R बच जाएगा। अब क्या बचेगा H बराबर क्या हो जाएगा, तीन में से एक गया तो 2H बच गया तो R की जगह अपन क्या लिख सकते हैं 2H लिख सकते हैं, ये समीकरण एक हो जाएगा। यहां तक सबके समझ में आ गया इस किस प्रकार से ये क्वेश्चन आया, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इस क्वेश्चन से पूरे 6 के 6 नंबर एग्जाम के अंदर 100% मिलेगा, इसलिए मैंने वेरी 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाया। यहां तक ये समझो क्योंकि एक तीक कर रखा है अपन। अब क्या करेंगे भाई, अपन को क्या करना, जो समीकरण एक है और ये समीकरण सॉरी ये समीकरण एक और ये समीकरण दो, अब आर की जगह पर ये 2H लिख सकते हैं यहां पे भाई, लिख सकते हैं। देखो जहां जहां मेरे को भाई ये अपन को दे रखा है ये स्टेप और ये स्टेप अपन क्या लिख सकते हैं, ये पूरा मान क्यों लिख सकते, ये अपन को दे रखा है 2πR H प्लस R बराबर अपन को 462 दे रखा है और इसमें अपन इस मान को पूरे को लिख सकते हैं भाई 2π की जगह पाई लिखा और R की जगह अपन क्या लिखेंगे 2H H लिखा और R की जगह 2H लिखा बराबर 462 दे रखा है। सभी विद्यार्थियों ज्ञान तो समझ आ रहा। अब इसको अपन गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसको टोटल गुणा करेंगे तो क्या होगा 4πH टोटल गुणा किया और ये कितना हो जाएगा 3H बराबर 462। यहां तक किसी कोई दिक्कत, अब इसको गुणा करते अपन टोटल गुणा करते 3×4 तो 12πH एच स्क्वायर बराबर 462। यहां तक कोई दिक्कत किसी विद्यार्थी को, मुझे उम्मीद है कोई को किसी को प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहां से क्या करेंगे अपन एच स्क्वायर निकाल लेंगे, यहां पे 462 बटे 12π। अब अपन इसमें भाग देते हैं किसका, ये तो देखो भाई क्या हो जाएगा 462 12 गुणा पाई का मान 22/7 और 7 ऊपर चले जाएगा, ये 7 गया। अभी 22 का भाग इसमें दिया तो कितनी बार जाएगा 2 बार गया 44, बचा कितना 2 और ये 21 बार। अब अपन 3 का भाग इसमें दिया तो 4 बार और 3 का भाग इसमें दिया तो कितनी बार 7 बार गया तो ये कितना आ गया यहाँ पे बच्चों 7×7 = 49 × 49 / 4 आ गया एच बराबर। अब अपन को H का मान चाहिए तो क्या करेंगे अपन
49 बटे 4 ये ऊपर रूट चढ़ जाएगा क्योंकि यहाँ पे एच स्वर हटा देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 7 बटे 2 आ जाएगा। एच बराबर 7 बटे 2 आ गया, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इस एच की जगह अपन देखो 2H की जगह ये लिख सकते हैं, तो यहाँ पे अपन R भी निकाल सकते हैं और H भी निकाल सकते हैं, तो यहाँ H बराबर क्या आ गया 3.5। अब अपन R का क्या, H का दोगुना होता है R, R क्या करेंगे यहाँ पे जो H होता है H का दोगुना यार 2 किया और H का मान अपन ने क्या लिखा 3.5, तो क्या आ गया भाई R बराबर अपने पास में 7 सेमी आ गया, तो R बराबर क्या करेंगे 7 सेमी आंसर, त्रिज्या निकले अपने बस 7 सेमी। तो यहां से 7 सेमी अपने पास में जो त्रिज्या निकल के आई, अब अपन को पूछा क्या है आंसर भाई, बेलन का आयतन, और बेलन का आयतन क्या होता है, यहां पे आप आपने चित्र कर लिया, बेलन का आयतन क्या होता है आप सभी बच्चे जानते हैं, जो बेलन का आयतन होता है वो क्या होता है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये बेलन का आयतन होता है, और जब इसमें अपन मान रखेंगे बेलन के आयतन में, पाई का मान अपन को पता भाई पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई का मान 22 बटे 7 लिखा, त्रिज्या अपने पास में कितनी आई 7, 7 गुणा 7, और जो एच आया अपने पास में एच कितना आया 3.5 आया, तो इसको 7 बटे 2 कर सकते, ये 2 7 से 7 गया, ये गया भाई 11 बार, तो ये हो गया 77, 77 गुणा 11 करेंगे तो कितना आएगा, ये गुणा गुणा 11 करेंगे तो 99 का 9 का 9 की 44 और 9 कितने होते 53, तो ये कितना आ गया दोस्तों यहाँ पे 53 500 आयतन के लिए क्यों आएगा, इस प्रकार से ये आंसर, डेफिनेट ये क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन था, बहुत लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन मैंने इसको एक अच्छी एक एक तरीका से आपको बताया, तो देखो रिवाइज करवा देता हूँ इस क्वेश्चन को, जबरदस्त अच्छी तरीका से आपको पढ़ना दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर आपको मिलने वाला है। सबसे पहली बात अपन को दे रखा था बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो अपन ने निकाला इस प्रकार से, अपन को जो संपूर्ण बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो अपन को सूत्र याद अपन ने लिखा, तो इसको नाम हमने समीकरण 1 दिया, फिर बोला उसमें कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का एक तिहाई है, तो एक तिहाई दिया अपन ने, क्या बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या था 2πRh होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2πRh प्लस r होता है गुणा एक तिहाई, एक तिहाई की तो एक तीन इधर चल जाएगा, यहाँ पे तीन आगे देंगे गुणा किया तो 6πRh हो गया, बराबर में 2πR और एच प्लस आर ये हो गया, पाई से पाई कट आर से आठ का, और ये अपने दो का भाग इसमें दिया तीन बार गया, इसको पूरे गुणा की तो 3h आ गया, यहाँ पे क्या बचा h प्लस r बचा, फिर अपन ने h इधर लिया तो माइनस हो गया r बराबर 2h आ गया, यहाँ तक किसी को कोई विद्यार्थी कोई दिक्कत नहीं हुई, r बराबर 2h आ गया। उसके बाद क्या किया अपन ने यहाँ पे कि जहां अपन को ये दे रखा था पहला समीकरण, भाई ये समीकरण एक है दोस्तों, ये पूरा समीकरण एक दे रखा था वो अपन ने लिखा, और जहां जहां अपन को r दिखता है वहां अपन ने 2h रख दिया, देखो 2 की जगह 2 लिखा, पाई की जगह पाई लिखा, और एच की जगह अपन ने क्या लिखा 2h, आर की जगह 2h लिखा, और ये इसी प्रकार से ये भी अपन फिर इनको गुणा किया तो क्या हो गया 12 पाई एच स्क्वायर बराबर 462, एच स्क्वायर अपन निकालेंगे 462 में अपन 12 पाई का भाग देते, इस प्रकार से काटा पीटी किया तो ये आ गया 49/4, फिर अपन ने स्क्वायर हटाया तो एच बराबर 49 रूट चढ़ गया तो 7/2 हो गया, तो आधी जो एच निकल के आया अपना हाइट निकल के आई बेलन की 3.5 निकल के आई, त्रिज्या क्या दोगुना ऊंचाई तो अपन त्रिज्या कितनी आई 7 सेमी, और जब 7 सेमी त्रिज्या आ गई तो अपन को निकालना बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच बराबर अपन ने मान लिखा था 539
539 सेंटीमीटर क्यूब अपना आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी विद्यार्थियों को ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया हो, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आठ बात करते 31। क्वेश्चन नंबर 31 बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है और आज शाम को दोस्तों 4 बजे देखना ना भूले, क्योंकि साइंस की वीडियो आपके पास आने वाली है, बहुत जबरदस्त बहुत अच्छी वीडियो है ये, तो देखना सभी विद्यार्थी ना भूले। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन को एक बार फिर पढ़ते अपन कि एक गोले का आयतन 38,808 घन सेमी है, तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना। जो गोला होता है उसका आयतन अपन को दे रखा है, गोले का आयतन कितना होता है, कितना दे रखा अपन को 38,808 घन सेमी दे रखा है। तो गोले का जो आयतन होता है, वो आयतन क्या होता है पहले तो अपन को लिखना होगा। गोले का आयतन होता है 4/3 πr³ बराबर अपन को 38,808 दे रखा है। तो यहां से अपन क्या निकाल लेंगे, जो भाई गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आया, तो उसके लिए अपन को त्रिज्या की अति आवश्यकता होती है। जब त्रिज्या निकलेगी तो अपन गोले का आयतन निकाल सकते हैं, मतलब गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो देखो बच्चों, 4 ये 3 इधर चल जाएगा, तो 38,808 × 3/4 πr³ बराबर। अब यहां से क्या करेंगे बच्चों, अपन ये गुणा क्यू किया, 38,808 × 3/4 πr का मान अपन को 22/7 ऊपर गया भाई। इस प्रकार से अपन गया तो क्या करेंगे यहां पे, ये टोटल अपन कितना हो गया 88, और जब इसमें का भाग देंगे तो कितनी बार जाने वाला है, तो ये जाएगा भाई, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं यहां पे 21 × 21 और 7 × 21 और आर क्यू, आर बराबर चाहिए तो क्या करेंगे 21 × 21 × 21 और यहां पे ये क्यू लग जाएगा, तो आर बराबर क्या निकल के आएगा अपने पास में 21। इसका पूरे का भाग देगा तो कितनी बार जाएगा ये, इसका मैंने इसमें भाग दिया तो ये आया ये 441 बार, और 21 × 21 करते 441 × 7 = 21 है भाई, 3 बार आ गया बच्चों। अब अपने रूट किया, क्यू लगा रखा है तो क्यू हटाएंगे तो आर बराबर क्या देना है 21 अपना आर बराबर आ गया। अब अपन को चाहिए क्या इसमें, वे गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, और गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, देखो मैं बताता हूँ आपको, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता, जो ये होता है 4 ऊपर वाला, तो ऊपर वाला होता है और कुछ नहीं है। मात्र मैंने आपको ट्रिक बता चुका हूं किस प्रकार से आपको सूत्र याद करना, पुराने वाले वीडियो आप रिवाइज करते रहिए, उनमें आप सब तरीका के मैंने सूत्र बता रखे पूरी किताब के, तो वहां से उनको पढ़ लीजिए आप। अब क्या करेंगे यहाँ पे, आर का मान अपन को पता है, पाई का मान पता है अपन को, 22/7 होता है, आर बराबर 21 निकाला, तो 21 × 21 किया, 7 का भाग दी तो इसमें 3 बार गया, इनको गुणा किया तो कितना हुआ 88 और इनको गुणा किया तो कितना हुआ 63। अब क्या करेंगे, इनको गुणा करने वाले और गुणा भाई कोई करने तो बैठा ही नहीं है यहाँ, अपन तो डायरेक्ट करते इसको गुणा को, लेकिन मैं बता देता हूं फिर भी आपको एक ही चीज, 8 × 3 = 8 = 24, 24 का 4 का 2 की आंसर 8 = 24 और 2
26 गुणा, 6 गुणा की तो 8 से 48, 48 का 8 का 4 की आंशे 48 और 4 52 होते भाई। ये 4 लिखा, 8 और 14, 14 का 4 का लिखा, 4 और 4 और 5 लिखा, 5 लिखा, ये 5 कितना हो गया भाई 55, 44 पृष्ठ क्षेत्रफल देखो तो मीटर, तो मीटर और क्या भाई इसमें सेमी, सेमी 144 क्या आंसर निकल गया। तो सभी विद्यार्थियों की ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आओगे किस टाइप से ये क्वेश्चन अपना करना आता है। यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन अपन डायरेक्ट भाग देंगे तो अपन 447 बार 447 खोलेंगे तो 21 गुणा 21 करेंगे 447 आ जाएगा और ये 7 पे 21 सही है तो 21 आ गया। 3 बार तो क्यू लगा हुआ था इसलिए एक बार लेंगे तो आर बराबर 21 आ गया। 21 का मान अपन ने इसमें लिखा क्योंकि बोलेगा पृष्ठ क्षेत्र होता है 4π r² होता है उसमें अपन को मान को वैल्यू फुट गया और अपन आ गया 55, 44 अपना राइट आंसर आया। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी विद्यार्थियों के लिए ये बहुत अच्छी तरह से आपको पढ़ाया जा रहा है। और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 और 33 क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीन पर दे रखा हूँ तो इन क्वेश्चनों को आप दोनों को क्वेश्चनों को कंप्लीट करना सभी विद्यार्थियों को, अदरवाइज कल तो मैं करवाऊंगा ही और शाम 4 बजे साइंस की वीडियो लेके आ रहा हूँ तो देखना ना भूले सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को सभी विद्यार्थियों को देखना है और 4 बजे जो वीडियो आने वाला है साइंस का जबरदस्त वीडियो होगा तो उस वीडियो को देखना ना भूले क्योंकि आपकी साइंस में भी अच्छी तैयारी करवा सके और अच्छे नंबर ला सके। तो इन क्वेश्चनों को आपको करना है और कमेंट में आंसर बताना कि इनका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है दोस्तों।